पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में पंचवा सरपंच पद के लिए हुआ मतदान। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पलवल में बूथों का किया निरीक्षण। चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच हुई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, जल्द समाधान संभव, मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं मामले का संज्ञान। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड। 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, 25 दिनों में कर दिए जाएंगे परिणाम घोषित। और सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई। सितंबर 2020 को पोस्को एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज। नमस्कार, मैं शमी नागपाल, अब समाचार विस्तार से। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायती राज आम चुनाव 2022 के तीसरे चरण के अंतर्गत आज पलवल के गांव में मतदान केंद्रों पर जाकर बूथों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार और पुलिस उप अधीक्षक सत्येंद्र कुमार भी मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के हिदायत अनुसार जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि पंचों सरपंचों का चुनाव हो रहा है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद जिले शामिल हैं, तो आज मैं पलवल जिले के दौरे पर आया हूँ और मैंने कई सारे बूथ देखे हैं। कहीं से कोई अव्यवस्था की या शिकायत की कोई बात नहीं मिली, ना कहीं पर कोई हिंसा या किसी तरह की कोई डराने धमकाने की इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। मतदाताओं ने कहा कि आज वोट डालकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व को हमारे जो गांव के आपस में भाईचारे से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज पहली बार वोट डाले, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं भी चाहती हूं हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के अंतिम चरण में आज प्रदेश के 4 जिलों में सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदान हुआ। फतेहाबाद जिले में मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया और लोग सुबह से ही मतदान के लिए कतारों में लगे नजर आए। खंड पंचायत विकास अधिकारी संदीप भारद्वाज ने कहा कि जिले में कुल 241 पंचायतों के लिए सरपंच का चयन होगा और इन पदों के लिए 983 उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में बड़ा ही अच्छे तरीके से मतदान चल रहा है, लोगों में काफ़ी भारी उत्साह है, प्यार और प्रेम से सारे वोट डालने के लिए आए हुए हैं। आपने भी विजिट किया, अभी हमने भी बहुत सारे बूथ या मतदान केंद्र विजिट किए हैं, सभी के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मतदाताओं ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना जरूरी है। उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को अपना मत दिया है जो उनके गाँव का विकास करेगा। वोट अपना हक से डालने आए हैं और हम बहुत खुश हैं। कोई ऐसी हमारे ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का। हम चाहते हैं हमारा जो सरपंच है समझदार हो, लिखा पढ़ा हो और अपने गांव की तरक्की के लिए हर आगे कदम बढ़ाए, जो हमारी पूरे गांव की कसौटी पे खरा उतरे और बढ़िया विकास कराए और जो नशा फैल रहा है उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज चिकित्सकों की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं और इसका जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर के मुद्दे पर यह पहले ही तय हो चुका है कि पीजीआई डॉक्टरों को ऑप्शन दी जाएगी, वे पीजीआई कैडर में रहना चाहते हैं या कॉमन कैडर में जाना चाहते हैं। यह बात पीजीआई डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से पहले ही बातचीत में तय हो चुकी है। ये उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी आज भी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सभी अधिकारियों से भी बात हुई है। मुझे लगता है कि इसका 1-2 दिन में हल निकल जाएगा और उसी जगह मैं ये भी
तमाम डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन करें, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, उस पर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मरीजों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको इसको कंसीडर करना चाहिए। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 29 नवंबर को प्रदेश में स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का इकलौता राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेशवासियों का मेडिकल कार्ड बनाया जाएगा ताकि एक ही कार्ड पर चिकित्सा संबंधी सारी जानकारी मिल सके। लेबोरेटरियों को हम सक्षम बना रहे हैं कि उसमें हम चेक करेंगे और उनको एक डिजिटल कार्ड देंगे और हमारा जो ई उपचार है वो कार्ड उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। वो हरियाणा के किसी भी अस्पताल में जाएंगे या मेडिकल कॉलेजों से भी ई उपचार की इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने कहा है। PSC लेवल तक ई उपचार भेजने के लिए मैंने कहा है। अभी 55 अस्पताल हमारे जुड़े हुए हैं। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के समापन समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी लचित बरफुकन की जीवन यात्रा को दर्शा रही है। इस अवसर पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया और गुवाहाटी को औरंगजेब के कब्जे से मुक्त कराया। अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंककर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लचित बरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 व 4 दिसंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिनों तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 3,05,717 अभ्यर्थी प्रदेश के 22 जिलों में बने 504 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट HTET परीक्षा के लिए अलॉट किए गए हैं। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर 3,05,717 कैंडिडेट्स जो हैं भाग लेंगे, जिनमें से 2,18,033 महिलाएं हैं और 87,678 पुरुष हैं। वह 6 ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि HTET परीक्षा के पारदर्शी आयोजन को लेकर 172 प्रभावशाली उड़न दस्तों का गठन किया गया है और परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि HTET परीक्षाओं का परिणाम परीक्षा के 25 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। 46 के करीब LED स्क्रीन लगाए गए हैं और हर एक के ऊपर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2, 3-3 लोग यहाँ पर हमने लगाए हैं। वो एक एक सेंटर को लगातार उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जिले के गांव भंगू निवासी एक दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी ने 11 वर्षीय बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया था। सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने मृत्युदंड के साथ दोषी को 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 5,00,000 रुपए का मुआवजा नाबालिग पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्युदंड के आदेश दिए।
इसने घर आके शराब पी के अपनी पत्नी को मारपीट करके बाहर भेज दिया था, और छोटा बच्चा और ये पीड़िता बच्ची घर में सोए हुए थे, जिसकी उम्र बच्चे की 12 साल थी, और रात को इसने बच्चे के साथ 2 बार रेप किया। माननीय अदालत ने हमारी एविडेंस को मानते हुए इसको आज मृत्युदंड की सजा सुनाई है। डिफेंस में जो हमने जितना हम कर सकते थे वी ट्राइड, बट इवन आफ्टर जो फैसला है वो बड़ा ही कमेंडेबल है। फांसी की सज़ा करी गई है, डेथ सेंटेंस 50,000 फाइन किया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोर्ट के इस निर्णय की सराहना की। हुआ है जिसमें जज साहब ने इसमें फांसी की सजा दी है। ये केस हमारे पास 2020 में आया था, जिसमें हमने बच्चों की इस बच्ची की काउंसलिंग करी थी, और बच्ची को बहुत हमने मोटिवेट भी किया, उस बच्ची की हमने स्कूलिंग जो है वो भी कंटिन्यू करवाई। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यक्ति एवं राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना, शिक्षक की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 1936 में 3 लड़कियों के साथ शुरू हुए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में आज 7,000 से अधिक लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक और शोध को साथ लेकर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों व शिक्षकों को नवाचार को अपनाना चाहिए। 3 लड़कियों से लेकर आज 7,000 लड़कियों का यूनिवर्सिटी बनना हमारे लिए बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है, आज महिला बहुत आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। जीवन को दिशा देने वाला गुरु है, जीवन को सही रास्ता बताने वाला गुरु है, तो इसीलिए शिक्षक वैसी होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज नारनौल के गांव धोलेड़ा में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवराम यादव व उनकी दिवंगत पत्नी नंदो देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवराम ने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक हब से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को पूरा किया गया है। नेशनल हाईवेज नेटवर्क स्थापित किया है, पिछले 5 साल के अंदर ही हुआ है। सारी सूरत ही दक्षिणी हरियाणा की इसके मार्फत बदलेगी। जो हमने डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया था आज से 10 साल पहले, वो दूसरा कारण है। लॉजिस्टिक हब्स यहाँ पे आए हैं, लोगों को नौकरी मिली है। हमारे यहाँ दक्षिणी हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, वो हम दुरुस्त करने लग रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर तीसरी जो समस्या है जो पानी की है, उस पानी को भी हम यहाँ पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं इस सरकार के मार्फत। स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी शिवराम के पुत्र वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज में 1942 में शामिल हुए और उन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उनके पिता का 2 अप्रैल 2018 को 97 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया था। सुभाष बोस की फौज के अंदर INA के अंदर वो 1942 के अंदर ज्वाइन की थी, और 46 तक वो सुभाष की फौज में वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला वनडे मैच आज ऑकलैंड में खेला गया, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 307 रन का लक्ष्य रखा। वहीं न्यूजीलैंड ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। मैच का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स, फ्री डिश और DTH पर किया गया। वहीं भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे मुकाबला 27 और तीसरा वनडे मैच 30 नवंबर को खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स, फ्री डिश और DTH पर किया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में पंच व सरपंच पद के लिए हुआ मतदान। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पलवल में बूथों का किया निरीक्षण।
चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच हुई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, जल्द समाधान संभव, मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं मामले का संज्ञान। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड। 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, 25 दिनों में कर दिए जाएंगे परिणाम घोषित। और सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को फांसी की सजा सुनाई। सितंबर 2020 को पोस्को एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।